तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीटी 12th लेवल एम ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में अपन तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम है, तो ये चारों जो नाम हैं तो ये किसके नाम है वो आपको बताना है। तो ये चारों जो नाम हैं, ये चारों नाम जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं। तो ये जो कलात्मक वैभव है ये संबंधित हैं गुर्जर प्रतियार काल से। अगला सवाल है कि गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि गुप्तकालीन भ्रमर माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है ये मंदिर स्थित है छोटी सादड़ी में। अगला सवाल है कि जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि जैन विजय स्तंभ जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतियार वास्तुशैली का नहीं है। तो वह मंदिर कौन सा है जो गुर्जर प्रतियार वास्तुशैली का नहीं है। तो वह मंदिर है चार चौमा का शिव मंदिर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है महल और स्थान में। तो वह है युग्म फूल सागर महल उदयपुर, यह युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि अचलगढ़ किले का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। अगला सवाल है कि नथमल हवेली कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो हवेली है ये हवेली स्थित है जैसलमेर में। अगला सवाल है कि अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमिलित नहीं है। तो मंदिर कौन सा है जो सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो युग्म है जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर, यह जो युग्म है यह युग्म एकदम गलत है। अगला सवाल है कि बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण खालिस्तान द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो तारागढ़ किले का जो निर्माण करवाया गया था वो किया था राव राजा बैर सिंह ने। ठीक है, राव राजा बैर सिंह ने क्या किया था, तारागढ़ किले का निर्माण किया था। अगला सवाल है कि ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है। तो ये जो मंदिर समूह है ये देन है प्रतियार वंश की। अगला सवाल है कि राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली है जो स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो ये स्थित है नवलगढ़ में। ठीक है, नवलगढ़ में क्या स्थित है, तो नवलगढ़ में राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण है जो पोदार की हवेली है जो स्थित है कहाँ पर, नवलगढ़ में। अगला सवाल है कि सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। तो ये जो दरगाह है ये दरगाह स्थित है गागरौन के किले में। अगला सवाल है कि चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है। तो चार चौमा का जो शिव मंदिर है ये अवस्थित हैं कोटा ज़िले में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमिलित हैं। तो वह युग्म कौन सा है जिसमें बावड़ी और स्थान है जो सही सुमिलित हैं। तो वह युग्म बताना है आपको, तो वह युग्म है चांद बावड़ी आबानेरी, यह जो युग्म है ये सही सुमिलित युग्म है। अगला सवाल है कि चोखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो महल है ये महल स्थित हैं जोधपुर दुर्ग में। अगला सवाल है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो था वो मूलतः क्या था, तो ये मूलतः था संस्कृत कॉलेज। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। तो राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहते हैं वो आपको बताना है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। ठीक है, तो राजस्थान का वेलोर जो कहते हैं ये कहते हैं बैसरोडगढ़ दुर्ग को। अगला सवाल है कि सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जोहार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित हैं। तो ये जो विलास हैं
ये स्थित हैं सोनारगढ़ दुर्ग में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक विलास पूछा जा सकता है कि सर्वोत्तम विलास, गज विलास, ज्वार विलास, ये तीनों जो विलास हैं, ये तीनों विलास स्थित हैं सोनारगढ़ दुर्ग में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो वह मंदिर कौन सा है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, वो आपको बताना है। तो वह मंदिर है चामुंडा मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो वह दुर्ग कौन सा है जो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो वह दुर्ग है कौन सा, तो आपको याद रखना है वह दुर्ग है गागरौन दुर्ग। ठीक है, गागरौन जो दुर्ग है वो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। बाकी कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, ये तीनों दुर्ग जो है, मचान दुर्ग, ये तीनों जो दुर्ग हैं ये कुंभा द्वारा निर्मित है, लेकिन गागरौन जो दुर्ग है ये कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। अगला सवाल है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का जो निर्माण करवाया था, वो करवाया था महाराजा राय सिंह ने। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। तो आपको याद रखना है इसका निर्माण करवाया था महाराजा राय सिंह ने। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो गढ़बीटली के नाम से जाना जाने वाला दुर्ग कौन सा है, तो वो आपको बताना है। तो वह दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, जो गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि हाडी रानी की बावड़ी खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो ये जो बावड़ी है ये स्थित है टोड राय सिंह में। ठीक है, टोड राय सिंह एक जगह है जहाँ पर स्थित है, और ये टोड राय सिंह टोंक में है। ठीक है, टोड राय सिंह में स्थित है क्या, हाडी रानी की बावड़ी। और ये पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। तो वह दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, जिसे दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों, आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न जगह हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।